हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो है फ्रंट लोड कैटेगरी से। आज हम बात करेंगे जीमेंस की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे अनबॉक्स होता हुआ देख रहे हैं। ये जीमेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अगस्त 2023 के अंदर, तो एकदम ब्रांड न्यू ये मॉडल है। तो कैसा ये वॉशिंग मशीन दिखता है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आज आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के ओवरव्यू के बारे में। जीमेंस की IQ700 सीरीज का ये मॉडल है जो आता है 9 kg कैपेसिटी में। 5-star की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग आपको इस वॉशिंग मशीन के ऊपर मिलती है, जिसके ऊपर इसका वाटर कंजम्पशन एंड पावर कंजम्पशन भी रिटर्न होता है। फुल लोड के अंदर इस वॉशिंग मशीन का एनर्जी कंजम्पशन 0.63 किलोवाट आवर पर साइकिल का है, एंड फुल लोड में इस वॉशिंग मशीन का वाटर कंजम्पशन 81 लीटर पर साइकिल का है। तो जीमेंस की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन एनर्जी एफिशिएंट भी होती है और वाटर एफिशिएंट भी होती है। जीमेंस का ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन एक इम्पोर्टेड वेरिएंट है, मतलब इसके कंट्री ओरिजिन की बात करें तो मेड इन टर्की है। जैसे कुछ मॉडल्स इंडिया के अंदर चेन्नई वाले प्लांट से आते हैं, लाइक 7 kg जो 8 kg जो मॉडल्स आते हैं जीमेंस के, वो इस चेन्नई वाले प्लांट से आते हैं। बट जीमेंस का ये IQ700 का जो आईडोस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, ये टर्की से आता है। इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के फिनिशिंग की बात करें तो सिल्वर आइनॉक्स और वाइट कलर की फिनिशिंग के साथ आपको ये मॉडल मिलेगा, एंड स्पिनिंग का स्पीड आपको इसमें 1400 RPM तक मिलेगा। एंड इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के मेजर हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो ये वॉशिंग मशीन आता है आईडोस टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब इंटेलिजेंट डोजिंग सिस्टम आपको इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है। अब ये आईडोस कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। किसी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के जब आप डिटर्जेंट ट्रे को निकाल के देखते हैं तो उसमें आपको टोटल 3 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। पहला कंपार्टमेंट प्री वॉश के लिए, मिडिल वाला कंपार्टमेंट फैब्रिक सॉफ्टनर के लिए, एंड लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट उसका मेन वॉशिंग के डिटर्जेंट के लिए। तो इस ट्रे के अंदर हमें मैनुअल डोजिंग सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब जो कपड़े हम लोग वॉश कर रहे हैं और जो प्रोग्राम हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें मैनुअली लिक्विड डिटर्जेंट या लिक्विड पाउडर हमें मैनुअली पोर करना पड़ता है। तो हमें उतना ही डालना होता है जितना उस टाइम उस वॉशिंग मशीन के अंदर रिक्वायर्ड है, मतलब जितना हम इस वॉशिंग मशीन के ट्रे में डालेंगे वॉशिंग मशीन वो सारा कंज्यूम कर लेगी। तो हमें एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में डालना है, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी में हम लोग नहीं डाल सकते। तो जब हम इसमें मैनुअल डोजिंग करते हैं, मतलब जब लिक्विड डिटर्जेंट या लिक्विड पाउडर हम लोग जब मैनुअली डालते हैं, तो वहाँ पर आप दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो आप ज़्यादा डालेंगे या आप कम डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ओवर डोजिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। वॉशिंग मशीन के अंदर फॉर्म सेंसर होता है, वॉशिंग मशीन फॉर्म को डिटेक्ट करके वाटर कंजम्पशन बढ़ा देगी, और आपको हो सकता है कि फाइनल जो स्पिनिंग के बाद आपके कपड़ों में एक वाइट कलर की लेयर, मतलब जो डिटर्जेंट के रेसिड्यू होते हैं, हो सकता है वो भी आपको आपके कपड़ों के ऊपर विजिबल दिखे। और अगर आप इसमें कम डालते हैं तो आपको अंडर डोजिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, मतलब वॉशिंग मशीन को जितना डिटर्जेंट चाहिए होता है कपड़ों में से स्टेन को रिमूव करने के लिए, वो उसको सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आपको वॉशिंग के रिजल्ट्स बेस्ट देखने को ना मिले। तो इन्हीं दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है जीमेंस की इस आईडोस वॉशिंग मशीन के अंदर, जिसमें अगर आप इसके डिटर्जेंट ट्रे को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और एक आपको मैनुअल डोजिंग के लिए सिस्टम देखने को मिलेगा। इन दोनों स्टोरेज कंपार्टमेंट के अंदर आप लिक्विड फिल कर सकते हैं। 1.5 लीटर का डिटर्जेंट लिक्विड आपको इसमें पोर करना होगा और 0.5 लीटर का फैब्रिक सॉफ्टनर आपको इसमें पोर करना होगा। तो जैसे ही कोई भी वॉशिंग मशीन का प्रोग्राम हम लोग चूज करते हैं, वॉशिंग मशीन चेक करती है लॉन्ड्री का वेट, कि जो कपड़े आप धोने वाले हैं उनका वेट कितना है। देन वॉशिंग मशीन चेक करती है फैब्रिक का टाइप, तो जो कपड़े आप इसमें वॉश करने वाले हैं उनका टाइप कैसा है। देन वॉशिंग मशीन चेक करती है वहाँ पर आपके वाटर का हार्डनेस, जो पानी आपके वॉशिंग मशीन के अंदर आ रहा है उसका हार्डनेस कितना है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद देन ऑप्टिमम फॉर्म में डिस्पेंस करती है लिक्विड डिटर्जेंट का। अगर मैं बात करूं इसकी मतलब क्वांटिटी की, तो एकदम मिलीमीटर तक जाके भी ये चेक करती है कि कितना एग्जैक्ट डिटर्जेंट चाहिए उन कपड़ों को वॉश करने के लिए। तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग बहुत सारा वाटर भी सेव करते हैं, बहुत सारा लिक्विड डिटर्जेंट का कॉस्ट भी सेव करते हैं। तो इसीलिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर ये आईडोस टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम सबसे बेस्ट देखा जाता है। और ये आईडोस हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इस वॉशिंग मशीन के अंदर, ये हम आगे देखेंगे अपने वॉशिंग प्रोग्राम वाले सेक्शन में। एंड इस आईडोस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगे,
बट जब आप इसका ओवर द टाइम आप इसका रनिंग एक्सपेंस आप देखेंगे तो ये वॉशिंग मशीन आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। जीमेंस का ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आता है स्टीम असिस्ट फीचर के साथ। इस प्रोग्राम के अंदर आप अपने कपड़ों में से रिंकल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, स्टीम के थ्रू उन कपड़ों को आप रिफ्रेश कर सकते हो। वॉशिंग इस प्रोग्राम के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो कैसे इस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं डिटेल में हम लोग जानेंगे वॉशिंग प्रोग्राम वाले सेक्शन में आगे अपने वीडियो में। जीमेंस का ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आता है एंटी स्टेन फीचर के साथ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टेन्स को भी आप अपने कपड़ों में से इस वॉशिंग मशीन के अंदर रिमूव कर सकते हो, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, या ब्लड या कॉफ़ी के जो दाग होते हैं, उन सभी स्टेन्स को आप इजीली इस वॉशिंग मशीन के अंदर क्लीन कर सकते हैं। तो एक बार इस वॉशिंग मशीन के डोर को ओपन करके इसके ड्रम को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का ड्रम आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है जो कंपैरेटिवली बिगर है एंड वाइडर है। तो वॉशिंग मशीन का ड्रम जितना बड़ा होता है वॉशिंग का क्वालिटी आपको उसके अंदर और बेटर देखने को मिलता है। इसके ड्रम डिज़ाइन की बात करें तो वेव ड्रम डिज़ाइन आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है। तो इस वॉशिंग मशीन के ड्रम की सरफेस को अगर आप टच करके देखेंगे तो सॉफ्ट टू हार्ड सरफेस देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू एफिशिएंट और जेंटल दोनों तरह की क्लीनिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसी ड्रम के ऊपर आपको बिग साइज के लिफ्टर्स और पैडल्स बने हुए देखेंगे, जिनका साइज भी काफ़ी बड़ा है और जिनका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। एक साइड से स्लोप दिखेगा, एक साइड से फ्लैट दिखेगा। तो जब वॉशिंग मशीन का ड्रम क्लॉक एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करता है तो इन लिफ्टर की हेल्प से ये कपड़ों को अच्छे तरीके से सेपरेट करके ड्रम के अंदर रोटेट कराता है, ताकि वॉशिंग का क्वालिटी आपको और बेटर देखने को मिले। एंड वॉशिंग मशीन की रबड़ गास्केट के ऊपर इसका 3D एक्वा स्पा का फीचर देखने को मिलेगा। तो जब ये वॉशिंग मशीन रन करता है तो इस नोजल से भी वाटर स्प्रे होता है इसके ग्लास डोर के ऊपर, ताकि चलते हुए कोई वॉशिंग मशीन का कपड़ा इसके डोर पर आके ना चिपके, इसलिए डोर के ऊपर वाटर को ये स्प्रे करता रहता है। जीमेंस का ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आता है एंटी वाइब्रेशन डिज़ाइन के साथ। तो इस वॉशिंग मशीन का जो नेट वेट है वो 75 kg का है। तो जितना ज़्यादा वॉशिंग मशीन का वेट होगा उतना ज़्यादा वॉशिंग मशीन साइलेंट होगा और वाइब्रेशन फ्री होगा। एंड जब इस वॉशिंग मशीन का ड्रम 1400 RPM पे स्पिन करता है तो उस ड्रम को स्टेबल रखने के लिए ड्रम लॉकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो जीमेंस की इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 3 साइड से ड्रम लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब नीचे 3 शॉकर्स देखने को मिलेंगे, ऊपर 3 स्प्रिंग देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू इसका ड्रम काफ़ी स्टेबल रहता है। एंड इस वॉशिंग मशीन के साइड पैनल्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपको एंटी वाइब्रेशन डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो जो भी इसका बचा कुचा वाइब्रेशन है इसके साइड वॉल से वो रिलीज हो जाता है। इसीलिए जीमेंस की इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 54 dB का साउंड देखने को मिलेगा वॉशिंग के टाइम पे, एंड 74 dB का साउंड मिलेगा इसका स्पिनिंग के टाइम पे। इस वॉशिंग मशीन की मोटर की बात करें तो IQ ड्राइव मोटर आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाती है, जो इंटेलिजेंट है, ड्यूरेबल है, क्वाइट और एनर्जी एफिशिएंट है। बहुत हाई क्वालिटी का मोटर जीमेंस अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में यूज़ करता है। एंड इसी IQ ड्राइव मोटर के ऊपर कंपनी की तरफ से आपको 12 साल की वारंटी मिलती है, एंड कंप्लीट वारंटी इस वॉशिंग मशीन का होता है 3 ईयर का। इस वॉशिंग मशीन की सेफ्टी की बात करें तो बैलेंस कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल और मल्टीपल वाटर प्रोटेक्शन आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाती है, जिसकी हेल्प से इस वॉशिंग मशीन का ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए इस वॉशिंग मशीन को एक बार ऑन करके इसके वॉशिंग के प्रोग्राम्स वगैरह को भी चेकआउट कर लें।